दुनिया भारत की तरफ देख रही है, बड़े बड़े मंचों पर भारत की बात बहुत गौर से सुनी जाती है, और सिर्फ सुनी ही नहीं जाती है बल्कि उस पर अमल भी होता है। हिंदुस्तान का कद पिछले कुछ वर्षों में कितनी तेजी से बढ़ा है, इसे दिल्ली में हो रही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को देखकर समझा जा सकता है। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में कल्चर सेंटर में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है और कई देश कंगाल हो चुके हैं, तो कई कंगाली की कगार पर हैं। दुनिया पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे वक्त में भारत पूरी मजबूती से न सिर्फ खड़ा है बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए एक रोल मॉडल भी बन रहा है। भारत ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभाली थी और G20 यानी कि 20 देशों का एक समूह जो दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय पर कर रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई और युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक शांति का रास्ता नहीं निकला है। और G20 की इस बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी दिल्ली हैं। G20 के मंच पर युद्ध को लेकर दोनों देश किस तरह से अपनी बात रखते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अच्छा, जो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, इसमें अमेरिका क्या रूस यूक्रेन का युद्ध का मुद्दा इस बैठक में उठाएगा? क्योंकि हमने बेंगलुरु में जो देखा फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक के बाद जो नोट आया, उसको लेकर भी रूस और चाइना ने काफी इस पे सवाल खड़े किए। कैसे देखते हैं आप, क्या रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा इस बैठक में रहेगा? इस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन का ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हमने इस युद्ध को रोकना है, क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं इस युद्ध के वो सिर्फ यूक्रेन या रूस पर नहीं है, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, चाहे वो खुराक या गंदम के जो प्राइसेस हैं, तेल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस जो हम देख रहे हैं। और हाँ, ये कोई इनकार नहीं कर सकते, जो आम लोग हैं यूक्रेन में वो भी उनके भी बहुत नुकसान है इस वक्त। तो हम बहुत जोर दे रहे हैं इस बात को कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं जी। लेकिन क्या इस बैठक में इस युद्ध के मुद्दे पर भी बातचीत होगी G20 की बैठक में? अमेरिका की तरफ से क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि हम अपने जो सहयोग देश हैं खासतौर पर उनके साथ बिल्कुल चर्चा करेंगे कि जो हम देख भी रहे हैं इस वक्त रूस से वो ठीक नहीं है। एक सवाल और है, आपने कहा युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध कैसे रुकेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा समरकंद में कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी के सहारे इसको चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे देखते हैं भारत के रोल को रूस यूक्रेन के बीच में? सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि जितने भी हमारे सहयोग देश हैं, हम समझते हैं कि हमने एक ही आवाज में, ऊंची आवाज में हमने पुतिन को कहना है कि ये ठीक नहीं है, और वो अपने मिसाइल और बम आम लोगों पर ना भेजे, इसको रोके। ये ही हमारा एक इस वक्त प्रायोरिटी है, और उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे सहयोग देश हैं वो पुतिन को साफ तौर पर कहें कि ये गलत है। G20 देशों की मीटिंग के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध ही है, जिस पर अमेरिका और रूस ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। इसके अलावा गिरती विकास दर, महंगाई, डिमांड और सप्लाई, आतंकवाद, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, नए उभरते खतरे, आपदा राहत और मानवीय सहायता, तेल गैस और खाद की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा हो सकती है। हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और G20 सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बेंगलुरु में बैठक हुई थी, और बेंगलुरु की बैठक में यूक्रेन विवाद को लेकर पश्चिमी शक्तियों और रूस चीन नहीं हो सका था। G20 के संयुक्त बयान को आखिरी रूप देते समय चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यूक्रेन पर रूस ने हमला कर कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे में अब G20 के विदेश मंत्रियों की इस बैठक को सफल बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत पर भी है। अब ये समझिए कि G20 देशों के कई विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज द्विपक्षीय वार्ता भी की है, जिसमें अलग अलग देशों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और एस जयशंकर के बीच भी आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत का G20 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग की अध्यक्षता करना गर्व का विषय है। भारत पिछले कुछ वर्षों से खुद को ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की उभरती हुई आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
इस दिशा में भारत को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग की अध्यक्षता करने से बेहतर अवसर नहीं मिल सकता था। Surely it is one of the largest gathering of the foreign ministers hosted by any G20 presidency that we would be privileged to host tomorrow. The theme of India's G20 presidency, as has been enunciated repeatedly, is Vasudeva Kutumbakam, roughly translating into one earth, one family, one future. For India, the G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kal, which will lead to the centenary of our independence towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society with human-centric approach at its very core. भारत हमेशा से ही दुनिया के सामूहिक विकास की बात करता है। भारत का मानना है कि कोई भी देश अपने आप में इतना सक्षम नहीं होता कि सभी परिस्थितियों और मुद्दों का हल खुद से निकाल पाए, जैसा कि हम कोविड के समय देख भी चुके हैं। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, और आज दुनिया के सामने जो समस्याएं और चुनौतियां हैं उनका चरित्र भी वैश्विक है। वे किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है। G20 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है, और G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75-80% है, और ये देश विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का एक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी, जिसमें 7 विकसित देश और 12 विकासशील देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। शुरुआत में G20 के शिखर सम्मेलनों में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर हिस्सा लेते थे, लेकिन बाद में इसमें राष्ट्र अध्यक्ष भी हिस्सा लेने लगे। समय के साथ इस संगठन की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई, और G20 देशों में जो देशों का नाम है वहां पे यह आंकड़ा बढ़ता गया। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। ऐसे में दिल्ली को एक बेहतर कूटनीतिक रणनीति को इस्तेमाल में लाना होगा, ताकि G20 देशों का समूह यूक्रेन युद्ध से आगे देख सके। भारत एक ऐसा बयान तैयार कराने की कोशिश कर सकता है जो किसी को पूरी तरह संतुष्ट भले ना कर सके, लेकिन सभी को स्वीकार हो।